क्वेश्चन नंबर 104, शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर टू एज पी एंड क्यू, ठीक है, ये भी बताएं क्लास में। 111 क्वेश्चन 111 किसका डाउट है, ये क्लास में बताया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी, हम लोग पढ़े साइनोपाइसिन ग्रैन्यूल्स होता है, ग्लाइकोजन होता है और फॉस्फेट होता है, तो क्या नहीं होगा, पॉलीजो। चलो और बताओ, या तो तुम लोग का एग्जाम बहुत अच्छा गया है या तुम लोग देख के ही नहीं आए हो क्या क्वेश्चन पूछे, दोनों में से कोई बात होगा। 103 नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ, सबसे पहले ये बात किसका कर रहा है, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, ये है न्यूक्लियोलस, और तुम लोगों को पहले ही बता चुके न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस में क्या सिंथेसाइज होता है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, बिल्कुल सही होगा। और कुछ राइबोसोमल आरएनए बताए थे, कुछ नहीं याद आ रहा है, कितने टाइप्स का बताए थे, प्रोकैरियोट्स भी बताए थे, यूकैरियोट्स भी, 16s 18s होता था स्मॉल सब यूनिट में, लार्ज में क्या होता था, 5s 5.8s 23s 28s, कुछ भी याद आ रहा है, याद आ रहा है मतलब बताए। चलो और कोई क्वेश्चन, 139 सीरियल वाइज बोलो 139, चलो, अरे क्या कंफ्यूजन था, इतना मार मारेंगे, क्लोरोफिल का फॉर्मूला, पोरफायरीन हेड भी जब बताए थे तो क्या बताए थे, सेंटर में क्या होता है, मैग्नीशियम, तो कॉपर में क्यों कंफ्यूजन हुआ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, 139। चलो और बताओ, 145 ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म, ठीक है, लाइट रिएक्शन में क्या क्या फॉर्म होता है, शुगर तो फॉर्म नहीं होता है ना, एटीपी फॉर्म होता है, ऑक्सीजन फॉर्म होता है और हाइड्रोजन डोनर, हाइड्रोजन डोनर को हम लोग क्यों लिख रहे हैं, फॉर्म होता है क्योंकि H2O से निकल के फिर क्या बनता था, NADPH, ठीक है, तो हाइड्रोजन डोनर रहता है उसमें। एनीथिंग एल्स, यह हो गया, कंपनसेशन पॉइंट वाला बता देते हम, और कुछ बताओ, क्वेश्चन 143 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, 143 का आंसर हो जाएगा डी, जैसे मान लो कोई नाइट्रेट खा रहा है, ठीक है, वो सब क्या है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया। 148 डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी, इट कैन नॉट अकर ड्यूरिंग डे लाइट, ऐसा कौन बोल दिया, डे लाइट में तो होगा ही, इनफैक्ट जैसे मान लो शाम हुआ, ठीक है, तो लाइट रिएक्शन थोड़ा देर तक के लिए चला, उसके बाद जब रात हुआ प्रॉपरली लाइट रिएक्शन बंद हुआ, थोड़े देर के लिए सिंथेसिस होगा, फिर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्यों बंद हो जाएगा, ड्यू टू लैक ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। और कोई क्वेश्चन, 99 क्वेश्चन नंबर 99 में है, सेल वॉल शोज, अरे मानते उस चैप्टर में नहीं बताया था, इस चैप्टर में तो पता है, कंप्लीट परमिएबिलिटी, ये होगा, वाह थैंक यू सो मच यार। और कुछ, 116 इसमें क्या दिक्कत है, किसको दिक्कत है, ग्लाइकोलिसिस याद है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है ग्लाइकोलिसिस का, अरे नहीं मेरे भाई, फॉस्फोराइलेशन मतलब कौन सिखा दिया कि एटीपी फॉर्म होगा, फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन, कहाँ पे भी वर्ड में तुमको एटीपी आ रहा है, एटीपी तभी फॉर्म होता है जब एडीपी में फॉस्फोराइलेशन होता है, अगर ग्लूकोज में फॉस्फोराइलेशन होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, तो इसका आंसर हो जाएगा हेक्सोकाइनेज, छोड़ो वो सब, तुम क्या किए हो वो बताओ,
तुम्हारा दिमाग कहाँ चलता है हम भी देखना चाहते हैं। इवन अगर तुम एटीपी सोच रहे थे, कोई काइनेज ही होना चाहिए था, तो काइनेज कौन से वर्ड में आ रहा है? हेक्सोकाइनेज में सिर्फ काइनेज आ रहा है, तुमको कोई डाउट नहीं है? वाह, कैसे डाउट नहीं है, सारा बनाया है सर, कैसे डाउट होगा? और कोई, सारा ही बता दीजिए। 164 Which of the following exhibits the highest rate of respiration? नहीं नहीं, इसका आंसर होगा germinating seed. अरे ऐसा आवाज कौन निकाल रहा है? germinating seed, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। germinating seed को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन नहीं मतलब एनर्जी का, इसलिए germinating seed में सबसे ज्यादा highest rate of respiration रहता है। आंसर होगा germinating seed, रूट टिप नहीं होगा। चलो और कुछ? नो डाउट। चलो पढ़ते हैं हम लोग कंपनसेशन पॉइंट। बता रहे एक्चुअली वो यहाँ हम पढ़ाते हैं ऐसे। हाँ ज्यादा रो मत, बोनस एक क्वेश्चन मतलब तुम लोग कहीं सॉल्व करते तो मिल ही जाता। कौन सा 91? क्या 91? तो हाइपोटोनिक तो हो ही गया था। हाँ तो उससे क्या, वो अगर नहीं ना किए हो तो 10 क्वेश्चन का मार्क्स काटेंगे तुम्हारा। समझ में आ रहा है? बोनस चाहिए। चलो देखते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन को एक कंपनसेशन क्यों बोलते हैं। ये कौन सा स्टाइलस, एक पेन देना यार, ये छोड़ो है यहाँ पे। ट्रांसपिरेशन को कंपनसेशन हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रांसपिरेशन के टाइम हम लोग देखते हैं स्टोमाटा जो होता है वो क्या होता है, ओपन होता है, और ये ओपन होता है तो प्लांट को एक फायदा भी है एक लॉस भी है। ये लाइट कौन ऑफ किया है, लाइट ऑन करो। क्या क्वेश्चन? 142 क्लास में बताया हुआ यार ये सब क्वेश्चन। मत पूछो, रेड, ठीक है, रेड और उसके बाद ब्लू। चलो स्टोमाटा ओपन रहता है, इससे क्या है, एक होता है लॉस ऑफ वाटर और दूसरा फायदा क्या है प्लांट को, एंट्री ऑफ CO2। तो ये दोनों के बीच में एक बैलेंस रखना जरूरी है प्लांट को, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसपिरेशन को, अ कंपनसेशन, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ लॉस हो रहा है कुछ फायदा हो रहा है। एंट्री ऑफ CO2 से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपनसेशन पॉइंट हम लोग किसको बोलेंगे, कंपनसेशन पॉइंट। चलो एक बात बताओ तुम लोग, आ जाओ देखो, प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है इसका मतलब प्लांट क्या सिंथेसाइज कर रहा है, ऑक्सीजन सिंथेसाइज कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना। लेकिन प्लांट ऑक्सीजन के साथ साथ सिंथेसाइज कर रहा है ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट, जो प्लांट ग्लूकोज को सिंथेसाइज किया, प्लांट को क्या करना है उस ग्लूकोज का, एनर्जी में कन्वर्ट करना है ग्लूकोज को, वो कैसे करेगा, रेस्पिरेशन करके। तो प्लांट तो दिन भर करते रहता है हम लोग का फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन के लिए उसके पास टाइम कब है, तो वो रेस्पिरेशन करता है रात में। मोस्टली प्लांट्स क्या करता है, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस और रात में करता है रेस्पिरेशन। अब जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है तो क्या करता है, ये रिलीजेस ऑक्सीजन, और डे टाइम में इतना ज्यादा ये फोटोसिंथेसिस कर देता है कि ये ऑक्सीजन को बाहर भी छोड़ता है एनवायरनमेंट में। बोलो ये बात समझ में आ रहा है? और अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो क्या चाह रहा होगा, Requires CO2। ये बात समझ में आया, मतलब फोटोसिंथेसिस के टाइम में मान लो ये मेरा प्लांट है, इसके अंदर जा रहा है CO2 और बाहर आ रहा है इससे ऑक्सीजन, ये रेस्पिरेशन का बिल्कुल उल्टा है। अब जब धीरे धीरे लाइट कम होता है, एज लाइट डिक्रीजेस,
फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाएगा थोड़ा, और फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज होना मतलब रेस्पिरेशन का रेट बढ़ना, क्योंकि प्लांट सोचा ठीक है बहुत ग्लूकोज बना लिया, अब थोड़ा सा उससे एनर्जी भी बना लेते हैं, तो क्या होगा रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज करेगा। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है ये बताओ तुम लोग, रेस्पिरेशन में इसको रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का, ठीक है, और नेक्स्ट रिलीज क्या करता है ये रेस्पिरेशन में, रिलीज करता है CO2। बताओ ये बात समझ में आया सबको, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या हो रहा था ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था, जबकि रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या हो रहा है CO2 रिलीज कर रहा है। तो लाइट जब धीरे धीरे घट रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ना तो ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा ना CO2 रिलीज करेगा, ठीक है, कोई बता सकते हो कैसे? उस टाइम क्या होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन के क्या हो जाता है इक्वल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट, ठीक है। एज लाइट इंटेंसिटी रीचेस कंपनसेशन पॉइंट, रीचेस कंपनसेशन पॉइंट, ठीक है, जैसे ही कंपनसेशन पॉइंट पे ये पहुंचता है क्या होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसके इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन के, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसके इक्वल हो गया रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अब फिर से तुम लोग बताओ फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन काफी ज्यादा था और CO2 कहीं ना कहीं कम हो रहा था, ये बात समझ में आया हम लोग को? इसी का उल्टा कहां पे होता है रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में क्या होता है CO2 ज्यादा रहता है और ऑक्सीजन क्या होता है कम हो रहा होता है, ये बात समझ में आया? मतलब प्लांट के अंदर दो प्रोसेस ऐसा हो रहा है, एक में ऑक्सीजन बढ़ रहा है एक में ऑक्सीजन घट रहा है, एक ऑक्सीजन यूजिंग प्रोसेस है, एक ऑक्सीजन यूजिंग प्रोसेस है और एक क्या ऑक्सीजन कंज्यूमिंग प्रोसेस, समझ में आ रहा है ये बात? तो क्या होता है मान लो यहाँ पे जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिला उसी को ये यूज कर लेता है इन रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में जितना भी CO2 निकला उसी को यूज कर लेता है इन फोटोसिंथेसिस। तो ये प्लांट को बाहर से O2 और CO2 को लेने या छोड़ने का जरूरत है नहीं है, इसलिए कंपनसेशन पॉइंट पे क्या होता है नो गैसियस एक्सचेंज, क्या होता है कंपनसेशन पॉइंट पे नो गैसियस एक्सचेंज, नो गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। लेकिन बात है कि प्लांट का फिर CO2 और ऑक्सीजन का नीड पूरा कैसे हो रहा है, तो देखो CO2 का नीड पूरा हो रहा है बाई रेस्पिरेशन, CO2 नीड इज फुलफिल्ड बाई रेस्पिरेशन, जबकि ऑक्सीजन का नीड कैसे पूरा हो रहा है फोटोसिंथेसिस। अच्छा CO2 का नीड कब है फोटोसिंथेसिस में और O2 का नीड कब है रेस्पिरेशन में, O2 नीड इज फुलफिल्ड बाई फोटोसिंथेसिस, ये बात समझ में आया सबको? तो प्लांट के लाइफ में एक मोमेंट ऐसा भी आता है जब वो कोई भी सांस नहीं ले रहा है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी बन रहा है CO2 भी बन रहा है, लेकिन अलग अलग प्रोसेस से, एक प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बन रहा है फोटोसिंथेसिस में यूज कर ले रहा है उसको रेस्पिरेशन में, दूसरे में बन रहा है CO2 यूज कर ले रहा है उसको फोटोसिंथेसिस में, ये बात समझ में आया? इसी को हम लोग बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट, लिखो तो इसको जल्दी से। तो इस बार का क्वेश्चन देख के लग रहा है बहुत लोग का आ जाएगा 320 प्लस, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, आना चाहिए, ठीक है, क्या बोल रहे हो, नहीं आएगा। देखो भाई जिसको भी फीवर वीवर लाना होता है संडे से पहले ले आओ, ठीक है, संडे तक कैसे भी ठीक कर लो, सबके बारे में बोल रहे हैं। नीट का एग्जाम भी संडे को ही होता है शायद, वाह, फर्स्ट वीक ऑफ मई जो भी संडे पड़ गया उसमें, अच्छा अच्छा क्या दिन गिनना शुरू कर दो, कर दिए हो,
कोई लाइव देख रहा है क्या? एक बार वॉइस चेक कर लेना, ब्रेक नहीं ना हो रहा है ये माइक में, थोड़ा लास्ट है शायद कुछ प्रॉब्लम थी। लिख लिए सब कोई? नहीं बता रहे, नहीं खुद समझ आ रहा है, लिखो, नहीं आ रहा है छोड़ो, देखेंगे अभी। बोले तो तुम्ही को नहीं आ रहा होगा, बाकी सबको आ गया, लिख लिए, बाकी लोग स्मार्ट है, है कि नहीं? बताओ सबको ही स्मार्ट है तुमको छोड़ के। यहाँ हरिओम टावर में तुमको इंग्लिश क्लासेस कर लो, स्पेलिंग में इतना दिक्कत है तो। हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखो यहीं पे तुम लोग को खुद का दिमाग थोड़ा सा चलाना है। याद करो C4 प्लांट के बारे में, C4 प्लांट क्या कर रहा था एक्चुअल में? वो जब डे लाइट में CO2 को ले रहा था, उसी टाइम क्या कर रहा था? उसको किसी और में कन्वर्ट कर दे रहा था ताकि उसको बाद में यूज करे, कर रहा था ना। जैसे ये सब नॉर्मल प्लांट्स है, वो सब क्या करेगा? सिर्फ डे टाइम में फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, खाना बना पाएगा। वो क्या करेगा? रात में भी बनाएगा। अब बताओ रात में वो कैसे बनाएगा? क्योंकि वो CO2 को कन्वर्ट कर लिया था इनटू C3 एसिड, कोई भी एसिड में कन्वर्ट कर लिया था, है ना। नेक्स्ट वो जब एसिड में कन्वर्ट किया और साथ साथ रेस्पिरेशन उसके पास हो ही रहा है, एनर्जी मिल रहा है, क्यों नहीं खाना बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा, ठीक है। इसलिए NCERT में एक पैराग्राफ लिखा है इसके बारे में कि C4 प्लांट का फोटोसिंथेटिक यील्ड क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है इसी कारण से, क्योंकि वो CO2 को अच्छे से मैनेज कर पाता है। आया समझ? चलो नेक्स्ट स्लाइड। किसका फोन है चार्ज में? इतना क्या तुम फोन यूज करते हो कि चार्ज में यहाँ पे लगाना पड़ जाता है? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे लाइट कम हो रहा है स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। स्टोमेटा क्लोज मतलब क्या? प्लांट प्रिपेयर्ड था अभी भी खाना बनाने के लिए, लेकिन उसको CO2 ही नहीं मिला। आया समझ? देखो रेस्पिरेशन प्लांट में साथ साथ चल रहा है तो अच्छा ही ना हो रहा है कि उसको लाइट रिएक्शन का जरूरत नहीं है? ध्यान से समझना क्या बोल रहे। रेस्पिरेशन प्लांट में साथ साथ चल रहा है, इसका मतलब वो एनर्जी तो बना ही रहा है, तो मतलब बिना लाइट रिएक्शन के भी काम कर लेगा। लेकिन मामला फंसता कहाँ पे है? लाइट रिएक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है, वो रेस्पिरेशन से उतना ले आएगा प्लांट, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगा? दिक्कत आएगा CO2 के लिए, ठीक है, कि CO2 ही वो एक्स्ट्रा नहीं रख पाया है। लेकिन C4 प्लांट के बारे में याद करो, वो क्या किया था? दिन में ही CO2 को ट्रैप कर लिया था, है ना, ताकि बाद में जाके उसको यूज कर सके। वही देखे हम लोग, C4 प्लांट का क्या रहता है, यील्ड काफी हाई रहता है, फोटोसिंथेटिक यील्ड। लिख लिए होगे? चलो आगे देखते हैं। आंसर की नहीं मिला ना तुम लोगों को? बताओ। माना सर बोलते, सर एक क्वेश्चन में डाउट है सब बच्चा को, हम बोले बताइए, बोलते हैं सर्चन रीजन में ऑप्शन नहीं था,
मतलब जिसको ये डाउट है पहले तो उसको सुसाइड करना चाहिए फिर बोलना चाहिए आगे। किसको डाउट था जी एसर्शन रीजन का ऑप्शन में? इसका मतलब वो जिंदगी में एसर्शन रीजन सॉल्व ही नहीं किया है, उस पर लिख भी दिए थे जनरल जैसा ऑप्शन होता है वैसे ही ऑप्शन। बताओ जी क्या होता है एसर्शन रीजन का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर वन बताओ क्या होता है? बहुत सही एक्सप्लेनेशन, ठीक है बहुत करेक्ट और सही एक्सप्लेनेशन। बी क्या होता है? बहुत करेक्ट एंड इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी क्या होता है? ए करेक्ट बी इनकरेक्ट। और डी क्या होता है? दोनों इनकरेक्ट। ये सब भी अब देना पड़ जाएगा। बताओ मानस सर कहीं ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? लिख लिए सब कोई? मिनरल अपटेक के बारे में बता चुके थे है ना कि एक्टिव भी हो सकता है एंड पैसिव भी, ठीक है। एक कंट्रोल पॉइंट्स बताना है उसमें, कभी कभी क्वेश्चन आया उससे भी। लास्ट क्लास का नोट्स लिख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट था लास्ट क्लास। चलो हो गया भाई, इतना टाइम कैसे लगा देते हो? ये भी एक स्किल है। स्लोएस्ट राइटिंग कॉम्पिटिशन होगा तो तुम लोग उसमें फर्स्ट आओगे है ना, ऑल इंडिया रैंक वन। देखिए आगे नहीं, एक्चुअली दूसरे क्लास में हुआ था, रॉ डिफेंस वाले क्लास में हुआ था। चलो हो गया, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो बात की हम लोग C4 प्लांट के बारे में, तो C4 प्लांट को हम लोग बोलते हैं उसका यील्ड क्या होता है? फोटोसिंथेटिक यील्ड काफी ज्यादा होता है। काफी ज्यादा, लेकिन सवाल है कि क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि ये डे टाइम में क्या करता है, CO2 को ट्रैप कर लेता है इनटू C3 एसिड, ठीक है, या बोल सकते हैं C4 एसिड में ट्रैप करता है, बाद में C3 में कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो इसका मतलब कि ये नाइट में भी क्या कर सकता है, नाइट में भी ये कर सकता है फोटोसिंथेसिस, नाइट में भी ये कर सकता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसका यील्ड ऐसा ही बढ़ गया, इसलिए C4 प्लांट बढ़िया होता है। कुछ एग्जांपल्स बताओ C4 प्लांट का। मेज, शुगर केन, ठीक है, बाकी तुम लोगों को तो पता ही है। चलो नेक्स्ट, मिनरल अपटेक्स के बारे में बताए थे, मिनरल अपटेक। लेकिन एक बात बताओ, प्लांट को तो बहुत अच्छे से पता है कौन सा मिनरल उसको जरूरत है कौन सा नहीं, है ना, तो वो एक्चुअली में इसको कंट्रोल कैसे करेगा कि हमको कौन सा मिनरल चाहिए कौन सा नहीं चाहिए? तो देखो चार लेयर तुम लोगों को बताए थे, एपिडर्मिस, ठीक है, उसके बाद कौन सा लेयर होता है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद क्या होता है, एंडोडर्मिस, और लास्ट होता है पेरिसाइकल। ये हम लोग का एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, यह है एंडोडर्मिस, यह है पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस में एक स्ट्रिप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। चलो मान लो हम लोग का एक सेल है यहां पे, और प्लांट सेल है तो इसके पास सेल मेम्ब्रेन भी होगा, देखो ये है इसका सेल मेम्ब्रेन, एक सेल बनाया है बस, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो याद रखना इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एंडोडर्मिस, यही एक्ट करता है कंट्रोल पॉइंट जैसा, ठीक है। इसका मतलब मान लो कोई मिनरल यहां से जाने वाला है जाइलम के अंदर, इस साइड हम लोग को पता है क्या है, जाइलम। तो मान लो कोई एक पर्टिकुलर मिनरल था जैसे पोटेशियम था, तो पोटेशियम अंदर जाने वाला था, जब वो एंडोडर्मिस पहुंचा तो एंडोडर्मिस का क्या क्रॉस किया, सबसे पहले सेल वॉल, उसके बाद इसका क्रॉस करता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है।
लेकिन जब उसका सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करता है तो यहाँ पे उसको कुछ मिलता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। क्या मिलता है उसको? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। अब ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा चालाक है क्योंकि इसको पता है अभी प्लांट को ज़रूरत है या नहीं इसका, ठीक है। तो अगर उस मिनरल्स का ज़रूरत है इसको तब वो आगे जाने देगा, अदरवाइज क्या करेगा, यहीं पे रोक लेगा। तो इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स। इसी को और क्या बोलते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स। तो सवाल यही आता है, कंट्रोल पॉइंट्स कौन से लेयर में देखने को मिलता है? एंडोडर्मिस में। उसके सेल का कौन सा लेयर में? सेल वॉल में या सेल मेम्ब्रेन में? सेल मेम्ब्रेन में। आया समझ? देखो मान लो एंडोडर्मिस का ये एक सेल है, तो बाहर वाला होगा सेल वॉल, अंदर वाला होगा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यही जो सेल मेम्ब्रेन रहता है इसमें कुछ कैरियर प्रोटीन्स रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल प्रोटीन्स या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। मान लो जैसे सोडियम आ रहा था उसको ये क्रॉस करना है एंडोडर्मिस को, सबसे पहले वो यहाँ पे आया। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको पता है कि अंदर ज़रूरत है या नहीं सोडियम, ठीक है। अगर ज़रूरत है तो क्या करेगा, परमिट करेगा, अगर ज़रूरत नहीं है तो यहीं से परमिट नहीं करेगा। यही प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे भी एक प्रोटीन लगा हुआ होगा, प्रोटीन के हेल्प से ये काम होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स। याद रखना मिनरल अपटेक्स में ये एक पॉइंट छूट गया था। चलो नेक्स्ट, कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी बताता है, जैसे कि कुछ मिनरल्स है नाइट्रोजन। तो सवाल पूछा जाता है नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ऑर्गेनिक वे में होता है या इनऑर्गेनिक वे में? दोनों वे में होता है, ठीक है। याद रखना ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक भी होता है और इनऑर्गेनिक भी होता है, ठीक है। तो सवाल है कि नाइट्रोजन का अपटेक ऑर्गेनिक किस फॉर्म में होगा? अमीनो एसिड के फॉर्म में। ऑर्गेनिक होता है अमीनो एसिड्स के फॉर्म में, जबकि इनऑर्गेनिक कैसे होता है? नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ठीक है। ये देखें हम लोग नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट, दो और एलिमेंट हम लोग देखते हैं, फॉस्फोरस एंड सल्फर। लेकिन तुमको याद रखना है फॉस्फोरस एंड सल्फर के बारे में, ये ऑर्गेनिक फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फॉर्म। इनऑर्गेनिक फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। बताओ ये समझ आया? यही हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर हो जाना चाहिए था खत्म, लेकिन क्यों नहीं होता है खत्म? किसी को कोई डाउट है चैप्टर में? वहीं से हम लोग का एक नया टॉपिक अराइज होगा। देखो अभी तक हम लोग जो ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? जाइलम का। जाइलम से खाना कैसे ऊपर चढ़ा। लेकिन ये सोचो मैक्सिमम खाना कौन बना रहा है? लीफ बना रहा है। और सब कौन से पार्ट्स को चाहिए? लोअर पार्ट्स को चाहिए। तो सवाल ये भी है ना कि लोअर पार्ट में कैसे आ रहा है खाना, ठीक है, फ्लोएम से आ रहा है, लेकिन उसके पीछे एनर्जी कौन सा है? देखेंगे हम लोग फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले ये बताओ फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता किसका है? इससे ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम सैप का। फ्लोएम सैप, अब इस फ्लोएम सैप में क्या प्रेजेंट है? हाँ बोलो बोलो। हाँ ठीक है। हाँ बोलो बोलो बोलो, घबराओ नहीं, बोलो, आंसर मिलेगा तुमको अपने क्वेश्चन। हाँ तो वो घट रहा है और रेस्पिरेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे जैसे रात होता है क्या होता है? फोटोसिंथेसिस घट रहा है और रेस्पिरेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इस चीज़ को ऐसे समझो, मान लो लाइट है, ठीक है, ये हम फोटोसिंथेसिस का हाथ है मेरा, अच्छा कैमरा के सामने, ये मेरा फोटोसिंथेसिस का हाथ है और ये मेरा रेस्पिरेशन का हाथ है। तो लाइट जब है तो ये होगा फोटोसिंथेसिस का रेट काफ़ी ज़्यादा, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, इतना ऑक्सीजन है इसके पास कि ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। आ रहा है समझ? धीरे धीरे लाइट कम हो रहा है, दोनों क्या आ गया पास। अब इसके पास इतना ऑक्सीजन नहीं है कि रिलीज कर रहा है, इतना ही ऑक्सीजन है कि ये यूज़ कर पा रहा है, रिलीज करने के लिए और ऑक्सीजन इसके पास नहीं है, ठीक है। और रात होगा तो क्या होगा? देखो रेस्पिरेशन का रेट बढ़ गया, अब क्या रिलीज करेगा प्लांट? CO2 रिलीज करेगा। आया समझ? यही बात बताएं। तो ये जो प्रोसेस चलता है, तो बीच में एक पॉइंट तो आएगा ना जब दोनों एक ही लेवल पे है। इस पॉइंट पे क्या होता है, इसका जितना भी ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है वो कौन यूज करेगा? रेस्पिरेशन में। और इसका जितना भी CO2 निकल रहा है फोटोसिंथेसिस में। यही बात आया समझ? तो जब यहाँ पढ़ रहे तुम वो क्या देख रहे थे, चलिए ये बताओ। चलो नेक्स्ट, फ्लोएम सैप। सवाल है कि फ्लोएम सैप में हम लोग को क्या देखने को मिलता है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा सुक्रोज।
सुक्रोज. सवाल है सुक्रोज क्यों मिला, शायद फर्स्ट क्लास में तुम लोगों को बताए थे है ना कि ग्लूकोज फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ग्लूकोज पहले कन्वर्ट हो जाता है इनटू सुक्रोज. नेक्स्ट और क्या देखने को मिलेगा इसमें, वाटर भी देखने को मिलेगा, अदर शुगर्स भी देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ हॉर्मोन्स भी देखने को मिलेगा. इतना सारा चीज का ट्रांसपोर्ट होता है और कुछ मिनरल्स भी देखने को मिलेगा फ्लोएम में. बताओ ये बात समझ में आया. नेक्स्ट मेनली हम लोग क्या बोलते हैं, फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्लोएम से. तो एक बार बताओ फ्लोएम किसका बना हुआ है, जैसे हम लोग पढ़े थे जाइलम बना था ट्रैकेट्स एंड बताओ वेसल्स, ठीक है, वैसे ही फ्लोएम किसका बना हुआ है, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स. सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स, समझ आ रहा है ये बात, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स. चलो नेक्स्ट, होता क्या है एक्चुअली में, इसमें सबसे पहले जो ग्लूकोज बनता है वो मीजोफिल सेल्स में बनता है. ग्लूकोज कहाँ पे बन रहा है, मीजोफिल सेल्स में. इतना तो तुम लोग को समझ आ रहा होगा, यहाँ पे क्या बना ग्लूकोज. उसके बाद क्या होता है, एक सीव ट्यूब होता है, ठीक है, लंबा सा ट्यूब, पोरस ट्यूब होता है ये, छोड़ो इतना मत बनाओ, बस याद रखना ये क्या है, सीव ट्यूब, ये हम लोग का सीव ट्यूब. नेक्स्ट एडजेसेंट में इसके क्या प्रेजेंट है, कंपेनियन सेल्स, इसी की मदद से ये जिंदा है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे बाद में. बस अभी इतना याद रखो, सबसे पहले क्या हुआ, मीजोफिल सेल्स में बना ग्लूकोज. अब यही ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू सुक्रोज. सुक्रोज में कन्वर्ट होने के बाद आ जाएगा ये कंपेनियन सेल्स में. बताओ समझ आया, ठीक है, कंपेनियन सेल्स में आने के बाद क्या होगा, ये आ जाएगा इनटू सीव ट्यूब्स, ठीक है, आ गया ये सीव ट्यूब में. अब यहीं पे सवाल आता है कि हम लोग का सीव ट्यूब से, जैसे मान लो लीफ के पास बना है, अब कोई ट्री को अगर तुम लोग इमेजिन कर रहे हो, उसका लीफ कितना ऊपर होता है, और खाना किसको चाहिए, रूट को भी चाहिए. तो सवाल है कि यही कैसे ट्रैवल करता है नीचे, ग्रेविटी से ट्रैवल करता है क्या, ये जो ट्रैवल करता है इसी फ्लो को हम लोग बोलते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास फ्लो हाइपोथेसिस. जैसे हम लोग जाइलम में क्या देखे थे, खाना जाता था एक डायरेक्शन में, लेकिन फ्लोएम में क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल. बताओ ये पॉइंट समझ आया तुम लोग को. तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस. मास फ्लो हाइपोथेसिस कोई दूसरा नाम क्या है, बल्क फ्लो हाइपोथेसिस. मास फ्लो हाइपोथेसिस या फिर बल्क फ्लो हाइपोथेसिस. ठीक है, मास फ्लो हाइपोथेसिस या फिर बल्क फ्लो हाइपोथेसिस. फर्स्ट क्वेश्चन, कौन साइंटिस्ट दिए थे इसको, इट वॉज ऑल्सो गिवन बाई मंच. मंच सुन के इतना एक्साइटेड क्यों जाते हो यार तुम लोग, चॉकलेट है. चलो देखो सबसे पहले क्या है इसमें, एक मान लो हम लोग के पास एक स्टेम है, खाना तो रूट को भी चाहिए, और लीफ मान लो हम लोग का काफी ऊपर सिचुएटेड है. तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो ग्लूकोज बनेगा, सबसे पहले ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सुक्रोज, और फिर ट्रांसपोर्ट होगा वाया फ्लोएम, और पहुंचेगा कहाँ पे लास्टली, रूट्स के पास. इसी को हम लोग बोलते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस. तो हम लोग को समझना है मास फ्लो हाइपोथेसिस में होता क्या है. देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, कोई अगर पूछेगा इसमें फूड का फ्लो कहाँ होता है, तो ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का सोर्स, लीफ तो है लेकिन अभी ये सोर्स के जैसा एक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये कैसा एक्ट कर रहा है, सिंक के जैसा एक्ट कर रहा है. लेकिन कभी ऐसा भी पॉइंट आ सकता है इसके लाइफ में जब ये एक्ट करे सोर्स के जैसा, और ऊपर वाला पार्ट कैसा एक्ट करे, सिंक के जैसा. तो उस डायरेक्शन, उस सिनेरियो में किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, यही डायरेक्शन होगा फ्लो का, आया समझ. तो यही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि मास फ्लो हाइपोथेसिस दोनों डायरेक्शन में काम करता है. तो सिर्फ ग्रेविटी के बोल देने से तो सही नहीं हो जाएगा,
है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैसे सोर्स के सिंक, सोर्स से सिंक की तरफ जा रहा है। सबसे पहले हम लोग बात किए मेसोफिल सेल्स का। चलो मान लो ये हम लोग का एक मेसोफिल सेल्स है, ठीक है, उसके बगल में हम लोग बना दे रहे कंपेनियन सेल्स, मेसोफिल सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स। नेक्स्ट ये क्या है यार, चलो कंपेनियन सेल्स के बगल में और क्या होगा, सीव ट्यूब्स। तो ये मान लो एक सीव ट्यूब बना दिए, और सीव ट्यूब के बगल में होगा जाइलम। इस बात से भी एग्री कर रहे हो, मान लो ये हम लोग का जाइलम, ये हम लोग का जाइलम। यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना, अदरवाइज फिर बाद में समझ में नहीं आता। ये कौन सा सेल बताए हैं, मेसोफिल सेल्स, ये हम लोग का मेसोफिल सेल्स। ये कौन सा सेल है, कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स वन नंबर नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है हम लोग का, सीव ट्यूब है ये, ठीक है, और ये तो लिख दिया जाइलम। नेक्स्ट तुम लोग ये बताओ मेसोफिल सेल्स में क्या हो रहा होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जा रहा होगा इंटू सुक्रोज। अब यही सुक्रोज चला जाएगा इंटू कंपेनियन सेल्स। इस बात से भी सबको एग्री कर रहे हो, है ना, ये चला जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट कंपेनियन सेल्स का सारा फंक्शन, सॉरी सीव ट्यूब का सारा फंक्शन किस पे निर्भर करता है, कंपेनियन सेल्स पे, और एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट करवाता है सीव ट्यूब्स, ठीक है, एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है, सीव ट्यूब्स। तो सुक्रोज आ जाएगा यहाँ पे, बताओ आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग तुम लोगों को अब यहाँ पे लगाना है, पुराना कॉन्सेप्ट। अगर सुक्रोज आया है, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हुआ, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हुआ, कम हो गया, याद आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है, छोड़ो सॉल्यूट पोटेंशियल से फिर कंफ्यूज करोगे। ये बताओ सुक्रोज आया है, वाटर पोटेंशियल क्या हुआ होगा, लो हुआ होगा, वाटर पोटेंशियल क्या हो गया होगा, लो। पहले मान लो यहां पे था प्योर वाटर, कोई भी अगर सॉल्यूट आएगा तो क्या होगा, वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्या है हम लोग का, जाइलम। प्लांट के लिए जाइलम क्या है, एक नदी है जो बह रहा है ऊपर की तरफ, तो इसमें वाटर का कोई भी कमी है नहीं, ट्रांसपीरेशन हो रहा है ना, इट इज रिच इन वाटर, बहुत ज्यादा वाटर है इसमें, मतलब इसमें वाटर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, बताओ ये बात भी समझ में आया। नेक्स्ट क्या होगा, जब यहाँ पे सुक्रोज एंटर करेगा, इसका घटा दिया है वाटर पोटेंशियल, और यहाँ का है वाटर पोटेंशियल ज्यादा, तो बगल से वाटर ले लेगा या नहीं, बिल्कुल ले लेगा। यहां से होता है वाटर का ट्रांसफर फ्रॉम जाइलम टू सीव ट्यूब, समझ में आया ये बात, जाइलम से कहां पे हुआ, सीव ट्यूब। अब यही यहाँ का हम क्या बढ़ गया, टर्गर प्रेशर बढ़ गया, यहाँ का टर्गर प्रेशर इंक्रीज हुआ, जबकि यहाँ का टर्गर प्रेशर क्या था, कम था, ठीक है, तो वाटर फिर से फ्लो करेगा, हाई टर्गर प्रेशर, ये ऐसे समझो ना, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, ठीक है, तो पानी कहाँ से आ जाएगा, सीव ट्यूब के ऊपर से आ जाएगा नीचे, मतलब सोर्स से आ जाएगा सिंक की तरफ। मान लो यहाँ मेरा रूट है, कहाँ जाइलम नहीं ले सकता है, यहाँ सुक्रोज आता तब ना, सुक्रोज को लेकर के कौन आएगा, वाटर लेकर के आएगा, सुक्रोज खुद ट्रैवल नहीं कर सकता है, वही तो बता रहे इस मास फ्लो हाइपोथेसिस में कि सॉल्यूट का जरूरत है ना इसको ट्रांसफर करवाने के लिए। एक बार देख लो पहले पूरा क्या होता है, उसके बाद अगर कोई कंफ्यूजन होगा फिर पूछना। अभी तक हम लोग क्या देखे, फिर से बता रहे हैं, ग्लूकोज था सबसे पहले, वो कन्वर्ट हो गया इंटू सुक्रोज। सबसे पहले तुम लोग को यही जानना जरूरी है सुक्रोज में क्यों कन्वर्ट हुआ, इसलिए ताकि ग्लूकोज को रास्ते में कोई यूज ना कर ले, ग्लूकोज होता है रिएक्टिव, समझ आया। नेक्स्ट सुक्रोज आ गया कंपेनियन सेल्स में, उसके बाद आ गया इंटू सीव ट्यूब्स। जब ये सीव ट्यूब्स के पास आया तो क्या हो गया, इसका प्यास काफी ज्यादा बढ़ गया, समझ आ रहा है, सॉल्यूट ज्यादा रहेगा तो प्यास बढ़ जाएगा, तो एक्चुअल में ये पानी लेगा कहाँ से, अपने एडजेसेंट जाइलम से ले लेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे इतना ज्यादा पानी आ गया, तो तुम लोग बस इमेजिन तो करो, अगर पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा आएगा तो पानी आ जाएगा ना लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है, तो वाटर का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर, इसी को हम लोग एक्चुअल बोलते हैं मास फ्लो, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मास फ्लो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सॉल्यूट तो था नहीं, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर आ चुका है,
तो वाटर फ्लो करेगा यहाँ से लेकर के लो टारगेट प्रेशर तक। बोलो ये बात समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट ये मान लो हम लोग का रूट का सेल है और यहाँ पे आ चुका है अब सुक्रोज। ये सुक्रोज अब आया है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? सुक्रोज अब आया, क्या होगा? हाँ बिल्कुल होगा, यहाँ पे भी कंपेनियन सेल्स होगा। लो कंपेनियन सेल्स बना दिए यहाँ पे। ये भी क्या है हम लोग का कंपेनियन सेल्स, ये भी हम लोग का कंपेनियन सेल्स। ठीक है, और बगल में क्या है? रूट। ये मान लो रूट है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिंक बोल सकते हैं। ठीक है, वो था हम लोग का सोर्स, यहां हो गया सिंक। अब देखो ये बात को अच्छे से समझना, सुक्रोज का क्या होगा? यहां पे जब पहुंचा सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज किसके साथ पहुंचा था? वाटर के साथ। अब यहां पे जब ये पहुंचा है, इतना ज्यादा वाटर के साथ पहुंचा है कि यहां पे वाटर पोटेंशियल क्या हो गया है? ज्यादा हो गया है। और इधर वाटर पोटेंशियल क्या रहता है उस कंपैरिजन में? कम। ठीक है, या अगर ऐसे नहीं समझोगे तो बस इतना समझो, जब सुक्रोज आया तो सुक्रोज फिर कहां चला जाएगा? कंपेनियन सेल्स में। क्यों चला जाएगा? ड्यू टू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस। ठीक है, यहां पे सुक्रोज क्या होगा? कम। यहां पे क्या होगा सुक्रोज? ज्यादा। तो तुमको पता है ये कनेक्टेड रहता है पिट्स से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पिट्स बोलते हैं, सीव पिट्स। ठीक है, तो क्या होगा? सुक्रोज यहां से ट्रैवल कर जाएगा अंदर कंपेनियन सेल्स में, और जैसे ही सुक्रोज अंदर ट्रैवल किया, वाटर पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां का जितना भी सॉल्यूट था कम हो गया, वाटर पोटेंशियल बढ़ा, तो वाटर फिर से कहां ट्रैवल कर जाएगा? ज़ाइलम में। समझ आया ये बात? फिर से समझाते हैं लाइट आने के बाद, है ना? ध्यान से समझना, सबसे पहले सोर्स में बना हम लोग का ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया इंटू सुक्रोज, सुक्रोज चला गया इंटू सीव ट्यूब्स। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर सुक्रोज यहाँ पे पहुंचा तो मतलब क्या हो गया? सॉल्यूट कहीं भी बढ़ता है तो वो वाटर को भी अपने साथ खींचता है। समझ में आया? ये है हाइपरटोनिक, ऐसे समझ लो, ये है हाइपरटोनिक और ये क्या है? हाइपोटोनिक। वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। तो वाटर यहाँ पे फ्लो किया, और वाटर जब यहाँ पे फ्लो किया तो क्या हुआ? टर्गर प्रेशर इंक्रीज किया। समझ में आया? जब एक बार ये टर्गर प्रेशर इंक्रीज किया तब क्या हुआ? नीचे आ गया जहां पे भी जरूरत था सुक्रोज का। इसी को हम लोग बोलते हैं मास फ्लो। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास फ्लो। अब सुक्रोज जब यहाँ पे पहुंचा तो ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस, या बोलो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस, सुक्रोज कहां से कहां ट्रेवल किया? सीव ट्यूब से कंपेनियन सेल्स। ठीक है, हेलो, सीव ट्यूब से कहां ट्रेवल किया? कंपेनियन सेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट जब ये सुक्रोज यहां पे चला गया तो ये वाटर यहां पे क्या करेगा? यहां का वाटर पोटेंशियल काफी ज्यादा हो जाएगा, तो ये वापस से कहां चला जाएगा? जाइलम में। तो हम लोग को तो पहुंचाना यही था ना, सुक्रोज को लास्टली पहुंचा देना था सिंक के पास, पहुंच गया सुक्रोज हम लोग का सिंक के पास। बोलो समझ में आया? अब सुक्रोज फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बोलो, देखो जब सुक्रोज यहाँ पे पहुंचा ना, बस इतना समझो, ये एक चैम्बर था जो कि वेट कर रहा था सुक्रोज के लिए। जब ये देखा कि बगल में सुक्रोज आ गया है तो सुक्रोज को अपने पास बुला लेगा। ठीक है, अब वाटर जो कि इसका ट्रैवल में हेल्प किया था, वाटर का और क्या काम है? कोई काम नहीं है उसका, सिर्फ काम है यहां से लेके सुक्रोज को यहां तक ट्रैवल करवा देना मास फ्लो में। ठीक है, हाँ नहीं होगा, इसीलिए तो बोल रहे हैं यहाँ का जो कंपेनियन सेल्स है उसके पास क्या है? सुक्रोज काफी कम है, इसके पास सुक्रोज काफी कम है, इसलिए तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? सिंक बोल रहे हैं। आया समझ? इसके पास सुक्रोज काफी कम है, वहां पे सुक्रोज काफी ज्यादा रहेगा। नहीं तो क्या होता, मान लो इसी के पास सुक्रोज कम रहता, एक मिनट के लिए मान लो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं इसी के पास सुक्रोज कम रहता तो क्या होता? सुक्रोज यहाँ से फिर वापस यहीं चला जाता। आ रहा है ना समझ? ठीक है, चलो इसको लिख लो तुम लोग। ये स्लाइड है, लिख लो। हेलो, हाँ भाई बोलो। हाँ क्लास उनका अभी तो टाइम लगेगा, 9:30। अच्छा तो वहीं पे, ठीक ठीक धनबाद मोटर्स, ठीक 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 है आते।
लिख लिए क्या सब कोई? कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना है, होना भी नहीं चाहिए। क्या आवाज नहीं आ रहा है? उस टाइम नहीं आ रहा था क्या? बोलना चाह रहे हो गए तो क्या बोल दिया हम वैसे? अरे भाई क्या बोलना चाहता है ना ये। चलो ये चैप्टर हो गया यहाँ पे टोटली फिनिश। कितने लोग मानते हो ऐसा? चैप्टर खत्म हो गया? अरे कोई नहीं, हो गया चैप्टर खत्म यार। बोलो कितने लोग मानते हो? हाथ उठाओ। हाँ उठाओ, देखना चाहते हैं। चैप्टर यहाँ पे खत्म होगा कि तुम लोग क्वेश्चन बनाओगे तब खत्म होगा? हाँ नहीं तो ये मेरा पढ़ाना खत्म हुआ, तुम लोग का काम अब स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन अभी होल्ड पे रखेंगे बिकॉज तुम लोगों को पता है वो शायद चैप्टर हटा हुआ है, दिसंबर के बाद वो सब टॉपिक टच करेंगे। प्लांट किंगडम पढ़ोगे? मेरे को भी तो वही मन है, लेकिन तुम लोग बोलो 11th पहले करें, तुम ही लोग बोलो ना। 12th का कुछ कुछ, 12th का कुछ कुछ चैप्टर सच में बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो फिर हम नहीं चाहते तुम लोग को एकदम जल्दी जल्दी में वो पढ़ाए, इसलिए 12th स्टार्ट कर दिया जाए। तो ये चैप्टर कर देते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक है। 12th में करेंगे जेनेटिक्स, पढ़ा है सबसे बड़ा वही है, लेकिन एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी बच रहा है, वो भी पढ़ा है थोड़ा सा। क्या हंसी आ रही है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नाम से? हाँ वो भी पढ़ना है, ठीक है पढ़ लेना। या ऐसा करते हैं ना 11 कर ही लेते हैं, अदरवाइज क्या होगा फिर छूट जाएगा लास्ट में, वो अच्छी बात नहीं है। 11 कर ही लेते हैं, ऐसे भी जो भी बोरिंग टॉपिक्स है सारा 11th में ही है, 12th में शायद ही कोई बोरिंग टॉपिक होगा। इकोलॉजी बोरिंग है? इकोलॉजी बोरिंग है, सबसे इंटरेस्टिंग है इकोलॉजी। सबसे इंटरेस्टिंग तो जेनेटिक्स है खैर, अगर तुम लोग का मैथ्स अच्छा हो तो। मैथ्स अच्छा है तुम लोग का? क्यों नहीं लेते? गजब बात करते हो यार तुम लोग। लिख लियो हो? वेरी गुड। नेक्स्ट तो बात क्यों कर रहे हो फिर? वही पूछना चाह रहे थे। कितने दिन एब्सेंट किए हो? सब अच्छी बात नहीं है। ड्रॉप बैच है ना तुम्हारा, हमको ये सब चीज तुमको समझाना पड़ेगा। डेंगू कब हुआ ये बताओ? कितना था प्लेटलेट? कम हो के लास्टली कहाँ पहुंचा? वो पिए थे पपीता का जूस पत्ते का, उसी से बढ़ता है प्लेटलेट। पानी चढ़ा था या वो चढ़ा था? प्लेटलेट चढ़ा था। तुम लोग में से भी किसी को हुआ है डेंगू? हाँ हाँ बोलो। तुम हमेशा लगता है लैग करते हो, थोड़ा सा बफर हो रहा है क्या तुम में? मतलब जब ये बता रहे हैं, नहीं वो नहीं बोल रहे, ये बता रहे तो तुम्हारा पुराना टॉपिक चल रहा है, फिर आगे टॉपिक आ रहा है। बोलो बोलो बोलो। देखो कंट्रोल पॉइंट्स क्या है ना, जैसे मान लो कोई भी मिनरल्स मेरे को एब्जॉर्ब करना है, तो कहीं ना कहीं प्लांट तो उसको कंट्रोल करेगा ना कि कितना मिनरल्स अंदर जाना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा प्लांट में बहुत ज़्यादा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो मान लो जैसे सोडियम प्लांट के पास अभी इनफ है, तो सोडियम एंटर करना चाह रहा था, वो एपिडर्मिस से भी घुस जाएगा, कॉर्टेक्स से भी घुस जाएगा, एंडोडर्मिस जब वो पहुंचेगा तो उसका भी सेल वॉल को वो क्रॉस कर जाएगा,
लेकिन जब वो पहुंचेगा सेल मेम्ब्रेन के पास तो वहां पे है कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, वो अगर अलाउ किया तभी जाएगा वो सॉल्यूट अंदर, उसके अलावा वो नहीं जा पाएगा। इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स, क्योंकि वो ऐसा पॉइंट है जो कंट्रोल करके रख रहा है। फीवर हो गया था एक दिन का, बैक पेन हुआ था तुमको एक दिन का, नहीं छोड़ना है टेस्ट वेस्ट, बता दे रहे। एक बात याद रखना, अगर हम तुम में से किसी को भी बोल रहे हैं ना टेस्ट देने के लिए, पढ़ने के लिए, मतलब हम तुमको कहीं ना कहीं अच्छा स्टूडेंट समझते हैं तभी बोल रहे हैं, ये बात समझ लेना। अदरवाइज मेरे को जिससे मतलब नहीं है उसके बारे में हमको पता है, कितना भी बोल लो कोई फायदा नहीं है। क्या रहता है, पढ़ाई लिखाई मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, जाओ बाहर फिर जाओ घूम के, जाओ जाओ, किस चीज में मन लगता है? हेल्थ सही, कितना एज है तुम्हारा यार? 62 साल। हेल्थ सही नहीं है ऐसा वाला बात मत बोला करो, क्या हो गया है? रिम्स खोपड़ी जाओगे ना, मान लो कभी टाइम मिला और बोलोगे कि फीवर है, तो दो थाप दे के भगाएगा, तो बोलेगा फीवर हो गया ठीक तुम्हारा। फीवर क्या होता है जी? कुछ नहीं है फीवर, कहाँ है फीवर? ये फीवर है अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, कुछ रिसर्च आ रहा है, लेकिन पैरासिटामोल ऐसा कुछ है नहीं। अगर पैरासिटामोल को ऐसा मेडिसिन बोला जाता है ना जो पूरा मेडिकल साइंस चेंज कर दिया है, नहीं उसका एकदम लीस्ट साइड इफेक्ट है। 10 पैरासिटामोल खाओगे ना, सॉरी 10 नहीं 20 पैरासिटामोल खाओगे ना एक साथ, तब जाके उसका साइड इफेक्ट आएगा, वो है उसका टॉक्सिक डोज। 10 ग्राम होता है और हम लोग कितना खाते हैं, 500 mg या 650 खाते हैं मैक्सिमम। बोलना। तो ज़ाइलम से कहाँ नीचे आया? ज़ाइलम से नहीं आया, नीचे तो आया वाटर, आया नीचे फ्लोएम वाला को ना? नहीं, वाटर का फ्लो तो बिल्कुल बाईडायरेक्शनल है मेरे भाई, वाटर का फ्लो है, वाटर का फ्लो बाईडायरेक्शनल नहीं होगा, सारा वाटर ऊपर चढ़ जाएगा तो नीचे का तो प्लांट सब सूखने लगेगा। समझ में आया क्या बोल रहे? देखो होता यही है, तुम सही बोल रहे हो, एकदम सही सोचो। जब रूट एक बार एब्जॉर्ब किया ना, सबसे पहले उसको ऊपर भेजता है, क्योंकि पानी का जरूरत सबसे ज्यादा किसको है? कोई मान लो एक जगह पे एक फैक्ट्री सेटअप हुआ है तो रॉ मटेरियल्स का सबसे ज्यादा जरूरत तो उसी को है ना, ठीक है? तो सबसे पहले सब कुछ जाएगा फैक्ट्री के पास, अब खाना बना जो कुछ बना, उसके बाद जिसको जिसको चाहिए वहां से नीचे आएगा। तो वाटर का फ्लो बिल्कुल बाय डायरेक्शन सही है, लेकिन जाइलम का फ्लो क्या है? यूनिडायरेक्शनल। फोन चलाने के लिए आते हो? नेक्स्ट स्लाइड। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग इसके बाद और थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे क्लास, आज नहीं छोड़े जल्दी। एक तो तुम लोग का स्ट्रेंथ कम होने लगा है अभी से, इतना कम लोग क्यों आते हो क्लास? टेस्ट से एक दिन पहले सर्कल टेस्ट है, टेस्ट के एक दिन बाद सर्कल टेस्ट। चलो बढ़िया है, हाँ लाइफ के भरोसे ना। हो गया, एक टॉपिक और बच रहा है छोटा सा, जिसको हम लोग बोलते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है? बात करना बंद करो,
लिख लिए अच्छा सब सुन लिया सौम्या कौर क्या बात कर रहे हो डोंट टेक मी रॉन्ग अच्छा अच्छा लिख लिया सब कोई जल्दी लिखो भाइयों अच्छा इसके बाद एक और स्लाइड है चल यहाँ नहीं हर पढ़ के आए हैं सकलदीप जी खड़े हो जाइए क्या पढ़ के आए हैं चलो अब रिया से पूछते बैठो ठीक है अब हम कुछ बोले तुमको अपने बात से ऐसा चाहे पराया के बात से ऐसा हो खड़े हो जल्दी क्वेश्चन तो पूछ लेने दो एब्सेंट थे सरेंडर एकदम करके पाकिस्तान हो तुम लड़ने से पहले सिलेंडर चलो तुम ये बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग पढ़े थे है ना ठीक है ऑस्मोटिक प्रेशर किसके न्यूमरिकली इक्वल होता है लेकिन साइन ऑपोजिट होता है जल्दी बताओ एब्सेंट है ठीक एब्सेंट है बोलने से काम चलेगा और दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो हंसोगे किसके लिए फिर बताओ क्या बोल रही थी क्या बोल रहे थे बोले तो नहीं होगे बैठो चलिए बैक टू बेसिक्स जहाँ से हम लोग क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं श्री गणेश करते हैं तुमसे बताइए जो क्वेश्चन पूछे सेम क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया ऑस्मोटिक प्रेशर न्यूमरिकली किसके इक्वल होता है लेकिन बस साइन ऑपोजिट होता है पता है मेरे को शॉकिंग क्या लगता है तुम में सब वो क्वालिटी है जो एक अच्छा स्टूडेंट में होना चाहिए लेकिन तुम फिर भी अच्छे स्टूडेंट नहीं क्यों ऐसा ना तुम्हारा ज़्यादा किसी से दोस्ती है देखते तुमको सिर्फ अपने पढ़ाई से मतलब रहता है सब कुछ अच्छा है तुम में फिर पढ़ाई क्यों नहीं करते हो क्या मन किशोर जी पढ़ क्या है खड़े हो जाइए बैठिए आप बैठिए डीपीडी बताओ कहाँ गई थी उल्टी करने है बताओ डीपीडी क्या होता है कितना रखने हाँ सॉल्यूट कितना रहता है ये डीपीडी से पता चलता है नहीं नहीं ठीक बोल रहे हो शायद हम गलत पढ़ाए हो तुम ठीक बोल रहे हो क्या सही बोल रहे ना डीपीडी से पता चलता है सॉल्यूट कितना है खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ नहीं नहीं आंसर करो 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 अच्छा लग रहा है देख के लिख लिए क्या सब कोई आप जल्दी लिख चुके होगे सब यही तो चाह रहे थे बैठो यार सब कोई बैठो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किससे पूछा जाए अजय जी खड़े हो जाइए डीपीडी किसके न्यूमेरिकली इक्वल होता है एंड साइन ऑपोजिट वो बॉटल किसका है तो बॉटल में बोलो ना ढक्कन में पानी निकाल के दे तुम डूब जाओ उसमें समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं बेवकूफ लड़के क्यों नहीं पढ़ाई में मन लग रहा है कौन बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर डीपीडी न्यूमरिकली किसके इक्वल होता है लेकिन साइन ऑपोजिट यही ना पूछ रहे थे यार आदित्य जी वाटर कहां से कहां मूव करता है हाई डीपीडी टू लो डीपीडी या लो डीपीडी टू हाई डीपीडी दो ही ऑप्शन है आपके पास 50-50 लेना चाहेंगे इसमें भी लो टू हाई कैसे लो डीपीडी क्या होता है हाइपोटोनिक वेरी गुड बट अब आकाश से भी पूछ लेते हैं थोड़ा चलो आकाश जो इससे क्वेश्चन पूछे सेम क्वेश्चन पूछ रहे लेकिन इन टर्म्स ऑफ वाटर पोटेंशियल वाटर मूव्स फ्रॉम
लो वाटर पोटेंशियल टू हाई या हाई टू लो? फक साला इतना देर तक बोले फिर बोल रहा है क्वेश्चन, फिर से बोलिए मारेंगे इतना मार। हाँ हाई टू लो, कैसे हाई टू लो? छोड़ो हाई टू लो, समझ गया सही बोल रहा होगा। ये बताओ प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है? हाँ प्योर का बनोगे दादा हीरो, बाहर भेज देंगे तुमको, डर नहीं है हम खड़े सामने? हाँ ये तो तुम बताओगे इसको, फेंक देंगे उठा के सीधे नीचे, दो फ्लोर नीचे गिरोगे, एक फ्लोर नहीं, या नहीं है ग्राउंड फ्लोर, देख लो अंडरग्राउंड है सीधे। क्या पढ़ने मन नहीं लगता है? ये जो बोल दिया वही सही होगा, 55 होगा रे, मतलब इतना इतना गेल गुजरल कैसे हो सकते हो, एकदम मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में। लिखो लिखो जल्दी लिखो, पढ़ने में मन नहीं लगता है, लिखने में तो लगाओ। क्या पढ़ के आए हैं? खड़े हो जाइए, ऐसे काम चलेगा बोल के नहीं पढ़ के आए हैं? टेस्ट का पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर टेस्ट में सबसे बेस्ट पढ़े बताइए, वही पूछते हैं। कौन सा चैप्टर? एक चैप्टर बता रहे सर, इससे कहीं से भी पूछ लीजिए, हालत खराब कर देंगे आपको। ना तुम ये चैप्टर पढ़े ना तुम वहाँ कुछ पढ़े, तो क्या किए? फोन का बैटरी डाउन किए खाली, नहीं चलेगा काम, समझ आ रहा है? थोड़ा सा भी अगर मेरा क्लास समझ में आता है ना, और अगर नहीं पढ़ रहे हो समझ लेना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि टाइम अभी भी गया नहीं है। समझ में आया? बैठो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नीट में अभी बहुत टाइम है, ये भी बात सही नहीं है, और नीट में कम टाइम है ये भी बात सही नहीं है, ठीक है? तो अभी भी अगर अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो तो बहुत कुछ हो सकता है, अच्छे से लेकिन पढ़ना स्टार्ट करो। तो यार तुम लोग तो डेली आके एक ही बात बोलते हैं, कब तुम लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे भगवान जाने। जो स्टार्टिंग ये बैच आया था लगा था अच्छा बैच बनाया, अच्छा रिजल्ट देगा, बाद में तुम लोग अपना कलर्स दिखाने लगे। चलो कावेरी खड़े हो, ये बताओ प्रेशर पोटेंशियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितना होगा? क्या चाहते हो अब मारना पीटना स्टार्ट कर दे क्लास में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई भी प्रेशर लग रहा है उस पर? नहीं लग रहा है तो जीरो होगा, ठीक है बताएं क्लास में। चलो कोई और क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो तुम ये बताओ प्रेशर पोटेंशियल न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है और साइन कैसा होता है उसका? प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू हम वो सब नहीं पूछ रहे तुमसे, हम बस पूछे प्रेशर पोटेंशियल न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल नहीं प्रेशर के टर्म्स में बताओ। पढ़ो यार इजी चैप्टर निकल जाएगा ऐसे। पढ़ क्या है सर? आप सर आप लोग तो माहौल बना दिए एकदम, क्या टेस्ट वेस्ट नहीं देना है क्या? कर लेंगे सर ज्यादा सादा, यही सोचते हो? कहाँ कुत्ता काटा है बताओ, कौन वाला है वहाँ पे काटा? पर या तुम है? अरे पागल पागल कुत्ता है वहाँ पे, आए ना सर मारो लोग पकड़ के। हाँ लिख लिए बताओ, हाँ पिट है नहीं प्लाज्मा डेस्माटा यहाँ पे हम लोग नहीं बोलते, ठीक है यहाँ पे हम लोग इसको पिट ही बोलते, क्योंकि देखो ये पूरा एक टिश्यू है कंपेनियन सेल का, सीव ट्यूब का, ये पूरा एक टिश्यू है, ठीक है इसमें बहुत सारा न्यूमरस सेल है, प्लाज्मा डेस्माटा का एक टाइप ही है, सेल कनेक्शन का एक टाइप ही है, लेकिन इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? पिट्स बोलते हैं, सीव पिट्स, उसी के थ्रू ट्रांसफर होता है। चलो वेरी गुड, सबको लिख लिया हो?
कितना टाइम लगा दिया यार तुम लोग, क्वेश्चन नहीं करवाने दोगे आज? आज क्वेश्चन नहीं होगा अब। हो गया, देखे आगे बताओ, यस नो क्या बोल रहे हो? नो सोर्स लिखे है गुलशन, सोर्स हो गया सबका। भाई साहब इतना टाइम क्या लिख रहे हो, इसका कोई स्टेटमेंट नहीं लिखवाएं, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ जाओगे तुम लोग? श्योर? होप सो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। या अगर मन करता है खुद से लिख लेने का अपने वर्ड्स में, तो थोड़ा सा स्पेस दे दो, बाद में कभी रिवाइज करोगे खुद से तो लिख लेना, ठीक है? चलो आगे देखते हैं हम लोग, तब तक क्वेश्चन पूछ लेते फिर, देखो ना कितना जल्दी होगा। किससे क्वेश्चन पूछे अब क्वेश्चन पूछने का मन ही नहीं करता। तब आपके फ्रेंड साहब कहाँ हैं? आने वाला था, उसके बाद क्या हुआ? अब तुम बताओ कोई एक स्टूडेंट को हम कितना समझाए, साल भर तुम समझाए ही। जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है? देखते हैं हम लोग आगे, देखे हो? यस सर बोलिए। वाटर पोटेंशियल एक्चुअली में यहाँ कम नहीं होगा, ठीक है? मतलब वाटर बस मान लो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे भी वाटर बहुत ज्यादा है, ये जब यहाँ से वाटर लिया बहुत ज्यादा ही वाटर लिया, जब नेक्स्ट ये यहाँ पे पहुंचा तब क्या हुआ, इसका सुक्रोज चला गया बाहर, ठीक है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को अपना फॉलो किया। अब याद करो जाइलम जब भी एब्जॉर्ब कर रहा था कुछ ना कुछ तो मिनरल्स के साथ एब्जॉर्ब किया होगा, तो यहाँ पे होगा कोई मिनरल्स, ठीक है? कोई मिनरल्स के साथ है वाटर और यहाँ पे रह गया प्योर वाटर। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कम होगा, कम और ज्यादा हम लोग बोलते हैं हमेशा कंपेरिजन के टर्म्स में, तो एटलीस्ट यहाँ से क्या होगा, कम होगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाएगा, फिर से ये ऊपर चला जाएगा, तो वाटर का भी एक साइकिल क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया। हेडिंग दे दो सबको, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। सुने हो कभी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में? गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन, ये एक्सपेरिमेंट कौन किया था? एनी आइडिया एनीवन? बाय माल्फी जी। कौन किया था इस एक्सपेरिमेंट को? माल्फी जी, ठीक है? तो मान लो एक क्वेश्चन आया तुम्हारे एग्जाम में,
गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड बाय और ऑप्शन रहेगा तुम्हारे पास सबसे पहले माल्फीजी, नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा तुम्हारे पास स्टीफन हेल्स और नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा तुम्हारे पास हार्टिग और लास्ट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या हो जाएगा इसका? वाह, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। समझ में आया क्यों हो जाएगा ऑल ऑफ दीज? याद रखना ये था फर्स्ट टू डू एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट कौन किया था? माल्फी जी। ये 1600 कुछ में किया था। स्टीफन हेल्स किया था 1700 कुछ में, वो एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद है। और जो हम लोग के हार्टिक भाई साहब थे वो कब किए थे? 1827 आसपास। ठीक है, अलग अलग सेंचुरी में तीनों किए, लेकिन तीनों ही एक्सपेरिमेंट को किए। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आया फर्स्ट टू डू एक्सपेरिमेंट ऑन गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, क्या आंसर हो जाएगा? माल्फी जी। ठीक है, ऐसे इसका आंसर होगा चारों, ऑल ऑफ दीज। चलो नेक्स्ट, ये एक्सपेरिमेंट में हम लोग करते क्या है? ये एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखते हैं फ्लो ऑफ, या ऐसे बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम हम लोग देखते हैं, ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम, ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम से किसका ट्रांसपोर्ट होता है? हम लोग को पता है फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग यही देखे थे। नेक्स्ट सवाल आता है, ये एक्सपेरिमेंट पे हम लोग करते क्या है, प्रोसीजर क्या है ये एक्सपेरिमेंट का? इस एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर है कि तुमको बार्क को रिमूव करना है, रिमूव बार्क। एनाटॉमी तो हुआ नहीं है बट स्टिल तुम लोग को बता दे रहे हैं। बार्क रिमूव करने का क्या मतलब है? जैसे ये मान लो एक ट्री है तुम्हारे पास, अगर तुम इसका बार्क को रिमूव किए, मान लो इतने दूर से बार को सिर्फ रिमूव किए, इसका मतलब तुम क्या रिमूव किए? इसका मतलब तुम रिमूव किए इसका सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम तुम इसका रिमूव किए, एंडोडर्मिस तुम रिमूव किए इसका, कॉर्टेक्स। मतलब मोस्टली जितना भी टिश्यू है आउटसाइड वैस्कुलर कैम्बियम वो सारा तुम रिमूव कर दिए। ये सब अभी नहीं समझ में आएगा, बस इतना याद रखना कि जो फ्लोएम होता है वो साइड साइड में होता है। ये मान लो क्या है हम लोग का फ्लोएम, अरे यार ये मान लो हम लोग का एक ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये है ग्राउंड लेवल और नीचे है रूट, ये है हम लोग का रूट। तो ये पेड़ का हम लोग क्या किए? बार्क को रिमूव किए। समझ में आ रहा है? बार्क रिमूव करने का मतलब इनडायरेक्टली याद रखना कि हम लोग फ्लोएम वाला टिश्यू को रिमूव किए। इस साइड हम लोग का क्या रहता है? पेरिफेरी में फ्लोएम रहता है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन वाला बना है ये क्या होगा? फ्लोएम, याद रखना। ठीक है, तो बार्क रिमूव करने का मतलब क्या रिमूव किए हैं? फ्लोएम रिमूव किए, लेकिन सेंटर को छोड़ दिए थे। इसका मतलब जो जाइलम है वो छूट गया, जाइलम रहता है सेंटर में। तो जाइलम क्या हुआ? जाइलम रिमूव नहीं हुआ। ठीक है, तो जब हम लोग बार्क को रिमूव करेंगे तो खुद से कॉमन सेंस लगा के बताओ होगा क्या। एक्चुअली में जाइलम रूट जितना भी वाटर एब्जॉर्ब कर रहा था, मिनरल एब्जॉर्ब कर रहा था, सब जाइलम से चला जाएगा ऊपर। तो ऊपर वाले पार्ट ऑफ प्लांट को कोई भी दिक्कत होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जाइलम से सारा वाटर चला गया। नेक्स्ट, यहाँ पे बहुत सारा लीफ था तो जो भी फोटोसिंथेसिस हो रहा था खाना यहाँ तक पहुंच जा रहा था। दिक्कत कहाँ पे आएगा? दिक्कत आएगा जो फ्लोएम नीचे जा रहा था रूट के पास खाना पहुंचाने के लिए, वो क्या हो गया? डिसकंटिन्यू हो गया। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले कौन मरेगा? रूट मरेगा, क्योंकि ये जो फ्लोएम था, ये जो हम लोग का फ्लोएम था, कांट टेक फूड टू रूट्स। समझ में आया ये बात? जो हम लोग का फ्लोएम रहता है वो रूट तक खाना नहीं ले जा पाता है। ये था इसका पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखें कि फ्लोएम में खाना तो अभी भी कमी नहीं है,
लीफ तो होगा अभी भी इंटैक्ट। तो जब खाना नीचे आ रहा था तो जो इतना पार्ट है वो स्वेल कर जाता है, आ रहा है समझ? जो बार का ऊपर वाला पार्ट है वो क्या करता है, स्वेल कर जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खाने का डिपोजिशन हो गया है। देखो तो हम लोग क्या देखे, जो बार के ऊपर वाला पार्ट था जहां पे हम लोग गर्डल किए हैं, बार के रिमूवल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गर्डलिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्डलिंग। तो जहां पे हम लोग गर्डल किए उसके ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, स्वेल हो गया। आया समझ? ये था एक्सपेरिमेंट। हम लोग को दिखा क्या क्या, सबसे पहले क्या मरेगा इसमें, कॉमन सेंस से बताओ। जैसा कि तुम्हारा क्वेश्चन था कि पानी तो ऊपर चला जाएगा लेकिन बाद में खाना लेकर के कौन आ रहा था, फ्लोएम आ रहा था। तो फ्लोएम को हम लोग बीच में क्या किए, तोड़ दिए। फ्लोएम को जब हम लोग बीच में तोड़ दिए या हटा दिए, तब क्या हुआ, नीचे खाना नहीं पहुंच पाया। तो सबसे पहले कौन मरेगा, रूट मरेगा, याद रखना। तो इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन क्या था, दो ऑब्जर्वेशन था इसका। पहला ऑब्जर्वेशन था पार्ट ऑफ ट्री वेयर बार्क इज रिमूव्ड, वो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लो, अपर पार्ट ऑफ ट्री वेयर बार्क इज रिमूव बिकम्स स्वेल। ठीक है, स्वेल हो जाता है वो काफी ज्यादा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा फेमस है इससे कि सबसे पहले मरेगा कौन, रूट, रूट डाइज फर्स्ट। तुमको क्या लग रहा है, ये प्लांट हमेशा अपना काम चला लेगा, नहीं चला पाएगा, क्यों नहीं चला पाएगा? देखो दिक्कत क्या आएगा, ये जैसे वाटर एब्जॉर्ब कर रहा था, भेज रहा था, सब कुछ ठीक था, फ्लोएम बस नीचे नहीं भेज पाया, तो रूट मर जाना चाहिए था, और क्या दिक्कत होगा। लेकिन अगर रूट मर जाएगा तो फिर वाटर कौन एब्जॉर्ब करेगा, समझ आ रहा है? तो एक पॉइंट के बाद प्लांट भी मर जाएगा, लेकिन पहला क्वेश्चन यही है, सबसे पहले कौन मरेगा, रूट डाइज फर्स्ट। यही दो ऑब्जर्वेशन था। तो इन्फेरेंस क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट का, उस टाइम तक हम लोग को पता नहीं था कि फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है खाने के लिए या जाइलम रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हम लोग को फ्लोएम पता था कि इस डायरेक्शन में है, मतलब सबसे पेरिफेरी में फ्लोएम है, सेंटर में क्या है, जाइलम। तो हम लोग जब सेंटर को छोड़ दिए, पेरिफेरी को हटाएं, तो देखें कि रूट मर रहा है सबसे पहले, इसका मतलब जो फ्लोएम है वही क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका इन्फेरेंस वही निकला, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, बस हो गया चैप्टर खत्म। दो तीन टर्म लिख लेना तुम लोग नोट करके। एक हम लोग जानते हैं ऑस्मोमीटर, ये ऑस्मोमीटर क्यों होता है, टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारा मशीन का नाम बताएंगे अभी, ऑस्मोमीटर सबसे पहले टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट याद रखना तुम लोग पोटोमीटर, पोटोमीटर क्या है, डिवाइस टू मेजर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, डिवाइस टू मेजर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। बताओ ये बात भी समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग देखे सबसे पहले ऑस्मोमीटर, उसके बाद हम लोग देखे पोटोमीटर, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक होता है पोरोमीटर। पोरोमीटर कौन सा डिवाइस है, डिवाइस टू मेजर द नंबर ऑफ स्टोमाटा ऑन अ लीफ। ठीक है, एक लीफ अगर तुमको दिया गया और तुमको बताना उसमें कितना स्टोमाटा है, तुम इसी से मेजर करोगे, पोरोमीटर। ठीक है, डिवाइस यूज टू मेजर नंबर ऑफ स्टोमाटा। आया इतना समझ में, लिख लो इसको, जल्दी से लिखो थोड़ा। प्राइमरी भी होता है, बिल्कुल नहीं, वो भी करता है, वो भी हट जाता है उसके साथ साथ। ठीक है, फ्लोएम थोड़ा सा भी नहीं बचता है, एनाटॉमी में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। चश्मा क्यों खोल के रख दिया, दिख रहा है उसके बिना, नहीं दिख रहा है, मायोपिक हो, तुमको भी पहले नहीं लगा हुआ था, ऑब्वियसली अच्छे डॉक्टर है, डायग्नोस कर देते हैं।
चैप्टर हो गया खत्म. नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा? पीजीआर. ठीक है, चलो माइक करते हैं ऑफ, लाइव क्लास करते खत्म.